सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एचएसएससी की ताज़ा ब्रेकिंग पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एचएसएससी के कारनामों से अवगत कराते हैं। पीछे अपडेट देख लीजिए भाई, जो चीज़ आप हमसे पूछते हैं वही चीज़ें दिखाई जाती है। तो दोस्तों बिना देरी किए मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। अगर आपको अपडेट ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीछे की जानकारी जरूर देखिए। नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके चलें। तो ग्रुप डी रिजल्ट पे बात चल रही थी भाई कि रात को ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आ पाया और रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको बताएंगे। 4000 और हुए पास भी, 21 चीज़ में 4000 पास किए गए हैं। नए पद अभी जारी नहीं होंगे, नया सीटी होगा, ग्रुप सी भर्ती भी आएगी नई सीटी के तहत। पूरी अपडेटों में बात करें, खबरों का एनालाइज करें। तो सबसे पहले आज की सुर्खियों का निचोड़ देखते हैं भाई क्या है। आपका जेबीटी भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, 1456 जो आपकी भर्ती निकाली गई है पदों पे। तो भाई इस भर्ती का विज्ञापन के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया, पीछे वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके सवाल हैं, हम वो सारे लेते हैं। तो किस साथी का कोई सवाल डाउट है तो पूछ लेना भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल ले लेंगे। तो यहाँ पे बात है भाई, आयोग के पास भेजा भाई पूरा सिपाही के 4000 पास कैंडिडेटों का डाटा, यानी आयोग के पास भेजा भाई पास पूरा सिपाही के 4000 जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा। अर्थात ग्रुप डी रिजल्ट में देरी हो गई है, क्यों हुई है भाई, क्यों नहीं आपका रिजल्ट जारी कर पाए, कब आपका रिजल्ट जारी होगा भाई, वीडियो में एंड तक बने रहना, सच्चाई से आपको अवगत करा दूंगा। MPHW मेल पदों का विज्ञापन फिलहाल जारी नहीं होगा भाई, बता रहे हैं कि आपकी भर्ती नियमों के अंदर फंस चुकी है। ग्रुप 1-2 की परीक्षा सफल हुई है भाई, 56 स्थानों का एग्जाम की तैयारी में जुट चुका आयोग भाई। जो आपके एग्जाम हुए हैं ग्रुप 1-2 के, तो आपके दोनों एग्जाम मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी आपका एग्जाम होता है उस पर भी वीडियो लेके आते हैं भाई, किस टाइप का आपका एग्जाम आया पीछे वीडियो देख लीजिए। टेलीग्राम पे भी आपको भाई पेपर शेयर कर दिया था, ठीक है ना। आगामी पेपर के लिए भी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पिछले पर्सन भी भाई यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं, रिविजन करवाते हैं, क्योंकि पिछले पर्सन होते हैं भाई वही आगामी परीक्षा का आधार होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पिछले पर्सनों पर भाई आपने फोकस करना चाहिए। तो बात करते हैं अब 56 स्थानों के पेपर लेने की तैयारी में जुट चुका आयोग भाई। और यहाँ पे एक अपडेट आई है कि महिला सिपाही के 600 पदों पर भर्ती का जो आग्रह पत्र है वो गया है भाई। फिलहाल आपकी एक भर्ती चल रही है जिसमें भाई 5000 मेल के और 1000 फीमेल के पद हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात और चली हुई है कि आयोग के पास हरियाणा पुलिस महानिदेशक सूत्रजीत कपूर ने हरियाणा कर्मचारी चयनों के पास एक पत्र भेजा जिसमें 4000 मेल और 600 पद फीमेल के हैं। यानी ये जो आपकी भर्ती आएगी ये फिलहाल नहीं आएगी भाई, इसमें फिलहाल क्या है, देरी होने वाली है। और देरी होगी तो दोस्तों कब तक ये आपकी देरी रहेगी, क्योंकि इतना समय सरकार के पास नहीं, सच्चाई से मैं आपको अवगत कराता हूँ, क्योंकि ये HSSC के कारनामे हैं, ठीक है ना। विज्ञापन आपके आ चुके हैं, MPHW मेल पदों का विज्ञापन फिलहाल जारी नहीं होगा भाई, नियमों के अंदर भर्ती फंस चुकी है। जल्दी से जल्दी नियमों का समाधान करके भर्ती निकालनी चाहिए, क्योंकि आपने JBT भर्ती का जो विज्ञापन निकाला है कितनी देरी से निकाला आप सभी को पता ही है भाई। हमने आपको जब TGT का रिजल्ट आया, कयामत की रात थी कि रात को रिजल्ट बोल रहे थे। कुछ साथी तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वीडियो शेयर करते हैं ग्रुपों के अंदर, ऑफिशियल नोटिस देख के वीडियो सबसे पहले शेयर करेंगे, बाद में ऑफिशियल नोटिस जो नोटिस है वो शेयर करेंगे, क्योंकि सच्चाई से कोई नहीं अवगत कराता, अपनी बात को आगे रखते हैं भाई। हमने आपको बताया था वो कयामत की रात थी जो TGT का रिजल्ट आया, जब हम आपको अपडेट कर रहे थे लाइव के माध्यम से, कुछ साथी कह रहे थे भाई वैसे बकवास कर रहा, रिजल्ट नहीं आएगा भाई, इस दिन आएगा। TGT का रिजल्ट आ गया, क्योंकि खबरों में एनालाइज करते हैं। देर सवेर आपके लिए वीडियो आए भाई, सबसे पहले टेलीग्राम पे और उसके बाद जो आपके टेलीग्राम की अपडेट है तो वीडियो के माध्यम से भाई आपको अवगत करा दिया जाता है। तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके पॉइंट आपके मुद्दे रखते हैं भाई। तो ग्रुप डी रिजल्ट पे बात है, तो ग्रुप डी रिजल्ट का जो मामला है भाई, आपका रिजल्ट शुक्रवार को रात को जारी होना था, जारी नहीं हो पाया। लेकिन अब खबर है कि शुक्रवार देर शाम को निकालने का प्रयास था रिजल्ट, यह शुक्रवार देर रात के बाद कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि आपके सामने नोटिस आ चुके हैं। अब ये आपका रिजल्ट का समय शुरू हो चुका है, ठीक है ना, और सही समय कब शुरू होगा वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। रिजल्ट आपका आज आ सकता है, आ सकता है दोस्तों, कन्फर्म में और सकता में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। मार्केटिंग बोर्ड ने ऑक्शन रिकॉर्डर पद भेज दिए हैं भाई, फिलहाल विज्ञापित नहीं होंगे आपकी। मार्केटिंग बोर्ड में ऑक्शन रिकॉर्डर की भर्ती आएगी 400 पदों पे, लेकिन फिलहाल ये पद विज्ञापित नहीं किए जाएंगे। गुरुदेव इनको भी विज्ञापित कर दो, इतना समय नहीं है, कोई तो लग जाए।
भाई 56 57 का 17 18 को एग्ज़ाम है, क्या ये हो पाएगा इस पे भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। ये अपडेट देखो भाई, इस साल ग्रुप सी का सीटी करवाया जा सकता है, यानी एक सीटी आपका लिया जा सकता है। पिछला सीटी तो इनका भाई क्या उलझ पुलझ है मामला कोर्ट के अंदर, नए सीटी की तैयारी है, पिछले सीटी ने समेट लो पहले, नया सीटी करवा रहे हैं। चलो भाई नया सीटी भी हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि नए बच्चों को मौका मिल जाए, जो नए बच्चे पेटिशनर बन रहे हैं भाई उनको तो बनने दो, आप नौकरी का हिस्सा उनको क्यों रोक रहे हैं, HSC उनके खिलाफ़ भी जा रही है, यानी नए बच्चों को भाई मौका मिल जाए किसी भी तरीके से जल्दी करवा लेना चाहिए। हम तो ये कह रहे थे कि जुलाई में ही करवा दिया जाए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये बात कह रहे हैं भाई कि सीटी अभी तक नहीं हुआ, तो भाई करवा लो। ग्रुप डी का पेपर एक बार हो गया है, सीटी के तहत पहली बार भर्तियाँ हो रही है, इसलिए सीटी देरी से स्वाभाविक है, इसी सीटी के आधार पर अभी तक सभी भर्तियाँ चल रही हैं, मगर 2 साल में लाखों युवा 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं भाई, मगर इन्हें अब विज्ञापित पदों के लिए आवेदन का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सीटी पास नहीं है और आयोग ने सीटी नहीं लिया, इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए सरकार सीटी करा सकती है। अभी तक जो सीटी की मांग है उसके अनुसार सीटी का क्वालिफाई बनाया जाना चाहिए भाई, सीटी क्वालिफाई कर दो, इसी में भला हो जाएगा। नई सीटी के लिए इतना टाइम नहीं, वैसे बच्चों के लिए भर्ती निकाल दो, नया सीटी लोगे फिर उसके तहत आप भर्तियां निकालोगे, ये तो वही मामला पता ही किस ओर जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सच्चाई आप भी जानते हो, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है भाई, ये कड़वी सच्चाई है कि ये मामला चल निकाल देंगे, लेकिन उस पर कितना फोकस से ये काम कर पाएंगे, कितना अपना टारगेट बना पाएंगे, मामला तो वो है ना कि बच्चों को भर्तियां दे पाएंगे, क्या बच्चे भाई इसी की तैयारी में लगे रहे, आप SSC यानी सेंटर की भी तैयारी करते रहे भाई, सेंटर में बहुत नौकरियां आती है, ठीक है ना, यहाँ की भी तैयारी करो लेकिन आप सेंटर की भी तैयारी जरूर करते रहें, सेंटर की तैयारी आप छोड़ देना है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ, जो भी अपडेट आएगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी भाई सुबह सुबह जो आपके जो अखबारों की न्यूज है उसका एनालाइज हमने कर दिया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके चले कि साथी का कोई सवाल डाउट है तो पूछ लेना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।